हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा पहला दिन है मेरे नए स्टूडियो में और स्टार्टिंग में ही अच्छा नहीं गया बिकॉज अभी 8 बज चुके हैं और मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है बिकॉज एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग गया था। मैं सुबह 4 बजे से एडिटिंग कर रहा था और 3 घंटे एडिटिंग में लग गए, उसके बाद अपलोडिंग में नेट की स्पीड नहीं आ रही, तो अराउंड 8:30 या 9 बजे तक व्लॉग आएगा। तो आज का सीन यह है, आज ये जो सामान बिखरा हुआ है सारा नीचे से ऊपर लाए थे, सारा अच्छे से एक एक जगह पे सेट करेंगे। पहले अच्छे से धोएंगे, गीले कपड़े से अच्छे से साफ करूंगा बिल्कुल जो धूल वगैरह है, उसके बाद अच्छे से सजाऊंगा। मैं पूरा दिन, एक दिन तो लग ही जाएगा, और सामान भी लेके आना है मार्केट से काफ़ी ज़्यादा, कर्टन्स लेके आने हैं, मतलब बहुत सारा काम है, तो वो आज होगा, देखते हैं। तो गाइस अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, 1 घंटा हो गया ब्लॉग अपलोड किए और अराउंड 1 लाख व्यूज़ हो गए, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब 1 घंटे में 1 लाख। तो थैंक यू सो मच ना सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल अभी हम आज खाएंगे हम छोले भटूरे मंगाए हैं, पता नहीं कितने सालों बाद, लास्ट टाइम मैंने 4-5 साल पहले खाए थे छोले भटूरे, वो भी बड़ी मम्मी ने बनाए थे घर में। हाँ, तो आज खाएंगे। वैसे भटूरे होते हैं मैदे के तो ये अच्छे नहीं होते हैं, बट 4-5 साल में एक बार खाओ तो कोई टेंशन नहीं होता है। पीयूष एक खा रहा है, मैं 2 भटूरे खा रहा हूँ। चलो गाइस अब शुरू करते हैं आज की कार्रवाई, सारा सामान सेट करते हैं। पहले एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या सामान कहाँ पड़ा हुआ है। चेयर यहाँ है, टेबल यहाँ पे है, अलमीराज 2 वहाँ पड़ी है, बाकी ट्राइपोड लाइट्स वहाँ पड़ी है, पेपर पेंसिल सारा आर्ट का सामान यहाँ पड़ा है मेरा, और कुछ सामान इस बॉक्स के अंदर है। पीयूष का एग्जाम है तो अभी वही दे रहा है वो, तो फिलहाल सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को साफ करूँगा, गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से अच्छे से, एक एक टेबल को, एक एक अलमीरा को, एक एक पेंसिल को भी, एक एक पेपर को तो नहीं कर पाऊँगा, पेपर तो भीग जाएगा ना, पेपर के बाहर बाहर से और साफ कर लेंगे बस। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. तो अभी मैंने सारा सामान फैला तो दिया है और अच्छे से क्लीन कर दिया है गीले कपड़े से, जितने भी मेरे पास ड्राइंग मटेरियल्स हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे सेट भी कर दिया है, जो मेरे डेली के यूज़ होने वाली पेंसिल्स हैं, कैमरा गियर्स इधर रखे हैं, और थोड़ा बहुत सामान पेपर्स वगैरह इधर रख लूँगा। सो गाइस अभी बच चुके हैं 3 और सुबह से सिर्फ एक ही अलमारी सेट की है, बाकी अब मैं दूसरी अलमारी में डालूंगा सारा सामान, और कुछ जो गत्ते वत्ते थे, फ़ोन के डब्बे, मतलब जो मतलब कबाड़ का सामान पड़ा रहता है ना, जो हमको लगता है हमारे काम आएगा, वो सारा मैंने फेंक दो यार, काम नहीं आने वाला, बिकॉज नई नई चीज़ें आती रहती हैं तो हम उनको यूज़ करते हैं पुरानी चीज़ें। तो मैं सोचा चलो गत्ते वत्ते, जैसे कि ये आप भी ऐसे करते हो कि बचपन में भी करता था, जैसे ये फ़ोन का डब्बा था, ठीक है, तो मैं इसको रख लिया कि यार इसमें मैं पेंसिल रख लूँगा। अब तो मेरे पास अच्छे अच्छे बॉक्सेस हैं पेंसिल के, जो कि मुझे हॉबी क्राफ्ट से मिले थे, ये मैंने इतने सारे बचा के रखे हुए थे, तो मैं सारे अब फेंक ही रहा हूँ। चाबी मिली थी उसकी, किसकी? हाँ हाँ, इसकी चाबी खो गई थी कल, ऊपर लाए ना इस बार, इस पर फ्रिज के ऊपर पड़ी थी, तो वो अभी लेके आया हूँ, इसमें सारा सामान डालूंगा। ये सारा सामान मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है, सारी धूल निकाल ली है, जितना भी है सारा सामान, अब बस डालना है इसके अंदर। ये खुल नहीं रहा, इससे खुल गया होगा यार, दिखाइयो, छोड़ मेरे को, एक चाबी नहीं खुलती इससे, छोड़, खुल गया, दोनों सेम चाबी हैं वो, तुमसे ना हो पाएगा, छोड़। ऐसे खुलता है ये, पीयूष से भी थोड़ा काम कराते हैं, सुबह से मैंने किया है, एक काम कर, एक बस मेरा टेस्ट था तभी नहीं आया वो। अरे हाँ, कैसा हुआ एग्जाम? कैसे किया, समझ सकता हूँ मैं कैसे किया, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं 2-3 व्लॉग में पहले कह चुका हूँ, सारा टेप भी आया हूँ, सब बोल, तेरी मैम भी देखते हैं वीडियो, हम तो नहीं। हाँ मैम जी, आप नहीं है जी। पहले के इसमें रखते थे, अब इसमें पूरा डुबा ले, पूरा अच्छे से, अगर जल्दी जल्दी नहीं करेगा तो मैं तेरे को नहीं करने दूंगा, दबा के कर बिल्कुल, प्रेस करके, इतनी ज्यादा नहीं, आराम से, ऊपर तक तेरा हाथ ही नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं, ऊपर आप कर देना, थोड़ा बहुत पीयूष भी सीख जाएगा इसी बहाने, मेरा काम भी हो जाएगा। अपने खुद के काम में ना हम कभी भी कंजूस ही नहीं करते, अगर किसी और का काम होता ना, अभी तक मैं पूरा रूम साफ करके रख देता, बट खुद का काम होता तो एक एक पेंसिल में कंजूस ही नहीं कर रहा हूँ, एक एक पेंसिल को अच्छे से रगड़ के साफ कर रहा हूँ मैं, ये फ़र्क होता है किसी और के काम करने में और खुद का काम करने में। और इस तरह का काम जैसे कि झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, खुद के रूम में, खुद के घर में, खुद की साफ सफाई करनी हो कहीं पे, तो वो मैं खुद ही कर लेता हूँ, किसी और को नहीं बोलता हूँ, या फिर मम्मी कर लेती है आके खुद ही, नहीं तो अदरवाइज मैं खुद ही कर लेता हूँ।
भी कंजूसी नहीं करेगा। पीयूष चढ़ गया इसके ऊपर। एक बात बता, नीचे तूने अभी साफ किया, अब गंदे पैरों से वहां चढ़ गया तू। कोई नहीं, कोई नहीं, देखियो सारा मिट्टी मिट्टी हो गया है। दोबारा साफ कर। कोई फायदा हुआ नीचे साफ करने का? अरे भूल गया मैं। कोई सेंस है तेरी बात की? ए, क्या बात बोली मैंने बताना ना? कोई सेंस है तेरे काम करने की? ओए उतर तो जाओ वहां से, पैरों में तो गंदगी है। पैर भी साफ कर लेता हूं। काफी लोग कमेंट करेंगे पीयूष के हाथ क्या अत्याचार कर रहे हो तुम, उसको काम भी करवा रहे हो डांट भी रहे हो, बट हम बड़े भाई हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। बहुत लोग पता है मेरी बहुत गलतियां निकालते हैं, मैं तेरे को कुछ बोलता हूँ, तेरे को इग्नोर करता हूँ, तेरे को कुछ करता हूँ ना, तुमने पीयूष के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये नहीं करना। मैंने कहा यार क्या हो गया, हमारे घर की बात है, तुम देख लो। इसको बहुत बुरा लग गया, मैंने कल इसको इग्नोर किया था। We must never stop the way, yeah. ओवर एक्टिंग की दुकान, चल अब निकाल इसमें सामान। एक्चुअली सीन ये था, कल ना हम कुछ सामान इसमें डाल के ले आए थे, जो एसी का बॉक्स है ना, बिकॉज छोटा मोटा सामान सारा इसमें डाल दिया, फिर पूरा बॉक्स उठा लाए। कपड़े भी है इसमें मेरे, कपड़े चले एक पैकेट तेरा, चले एक पैकेट दे देते, कोई बात नहीं, एक पैकेट मेहनत की कमाई, वीडियो के बाद वापस ले लेंगे मैगी। अरे नहीं लेता वापिस। सो गाइस हमारे चैनल पे आपको अनबॉक्सिंग दिखेगी पोछे की भी, जो कि मैं नया लेके आया था। देखो ये कुछ इस तरह का पोछा है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पोछा है, इससे हम अपना मुंह भी पोछ सकते हैं इस तरह से। ओनली जब नया हो तब इससे मुंह पोछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पोछ सकते। ये पोछा कम ऐसे घुमाने वाला खिलौना ज़्यादा लग रहा है। देखो हवा भी, इससे आप हवा भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो गर्मी के टाइम पे ये हवा का भी काम करेगा, लेकिन जब नया हो तब छाते का काम भी करेगा ये साथ में, और विग भी बना सकते हैं आप इससे, इससे वीडियो एडिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इससे वीडियो कर सकते हैं वीडियो एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक काम करूँगा, पोछे को ले घूमूंगा, जब भी ब्लॉग एंड करना होगा ना पोछे को ले आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो साहिल ने डाल लिया विग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप विक भी डाल सकते हो इस पोछे की। तो भी मम्मी जी थोड़ी बहुत सफाई कर रही है, जो हमसे नहीं हो पाएगी वो मम्मी जी कर रही है ना। ये बर्तन बुर्तन तो मैं उठा लूंगा, बर्तन सजा दिया तूने सारा कुछ, बढ़िया कर दिया है। अभी नहीं सजाया है, अभी मैं थोड़ा पोछा पच्छा लगाती हूँ, फिर सही होगा, थोड़ा सेट हो जाएगा ना, फिर कई सामान रहा है तेरा ला। सो गाइस अभी का सीन ये है, जो एसी के बगल में ना ये होल बाकी है ना, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको लगाना है एक आर्ट वर्क। कौन सा लगाए? तो अभी मैं सोच रहा हूँ कौन सा आर्ट वर्क लगाऊँ यहाँ पे, नीचे मेरे रूम में लगे हुए हैं उनमें से एक चूज करना है, जो कि फ्रेम्ड है, क्योंकि इसको ढकना है, ये होल ना अच्छा नहीं लग रहा। तो एग्जॉस्ट तो एक तो लगा दिया यहाँ पे, इस वाले होल को हम ढकेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ इतने वर्क्स हैं, मैं सोच रहा हूँ ये हॉर्स वाला ये निकालता हूँ मैं पहले। तो ये वाला आर्ट वर्क मैंने सोचा लगाने की, देखो हॉर्स का काफी प्यारा है ना अम्मा? साहिल तो यही है, लगाता हाँ मैं उठते ही पहले पोछा लगाऊंगा रोज। ऐसे क्यों देखता है तू मुझे, मैं आपके खुद के काम खुद करता हूँ मैं। वैसे क्यों खड़ा तू यार, आजा मेरे को पहले पकड़वा। मैं तो बाहर और यो क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? We must merely make a start. Savannah, I'm coming on. Savannah, आजा और आजा, मुंह में क्या ले रहे रे, काला काला कुछ है इसके मुंह में, छोड़ छोड़ छोड़, आजा नीचे नहीं जाना तू, वो दे यार तेरे मुंह में क्या था ये, छोड़ चल ऊपर चलते हैं। तो फिलहाल अभी दोनों भाई सबसे ऊपर वाली छत में जा रहे हैं, उसको तो छोड़ता ही नहीं है, पीयूष को नहीं छोड़ता ये। अभी नीचे मैं इसलिए बैठा हूँ बिकॉज बारिश आई थी, तो चारपाई पूरी गीली हो चुकी है, और ये कभी उस पर नहीं रख सकते बिकॉज उसको गीला पसंद है, गीले में बैठना। तो फिलहाल अभी आ गया खेलने के लिए, गीले में बैठना पसंद है भाई को, क्या हो गया तेरे को भाई, क्या हो गया है। तो फिलहाल गाइज आज है 7 सितंबर और कल है मेरा बर्थडे, और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, ना ही मैं कोई नए कपड़े लेके आया, ना ही मैं कुछ भी प्लान नहीं किया, तो नॉर्मल डे जाएगा बिकॉज
मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ जो आप लोगों से प्यार मिल रहा है ना उससे ज़्यादा स्पेशल, और मेरी फैमिली इतने खुश है, मतलब उनको काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, इससे ज़्यादा खुशी तो लाइफ में फ़िलहाल कुछ है नहीं, तो इसीलिए क्या कैसे फूटा। और इस बार मेरे पास मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है जो कि है ओरियो हमारा, मतलब इसके आने से ना ज़िंदगी में मतलब कुछ कुछ हो गया है, मतलब अभी बैठा है ना ये। 2 साल के बाद फाइनली मैं अपने टेबल का बैकग्राउंड चेंज करूँगा जो कि पहले जैसा ही है, बट ये बिल्कुल नए वाला मैट है, कारपेट जो भी है, तो इसको बिछाते हैं कट करके अच्छे से, पुराने वाला ओरियो ने उसके ऊपर टॉयलेट कर दी। सो गाइस टेबल का काम तो हो गया है, अब हम जाते हैं डिनर करने के लिए और आने के बाद आपसे मिलता हूँ। हे गाइस तो अभी 11 बज चुके हैं, पूरे 1 घंटे बाद मेरा बर्थडे आ जाएगा 12 बजे, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शूट करूँगा, फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है बर्थडे का, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट जो भी है फिलहाल देखेंगे जो होता है, कौन लोग मुझे विश करते हैं, जो भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, फिलहाल इसको एंड करता हूँ। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एक मिनट, मेरे हाथ में टैबलेट है। Lion's gonna come, the birds have just begun.